हेलो दोस्तों, हमारी इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं लेके आया हूँ एक नया ट्रिक, एक नया क्वेश्चन के साथ। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये बहुत ही मतलब देखने को मिलता है इस टाइप का क्वेश्चन, जिसमें सब चीज रहता है। इसमें मल्टीप्लिकेशन रहता है, डिवाइडेशन रहता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे लगाते हैं और इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, आपको कहीं कहीं देखने को मिल जाता है क्वेश्चन। हालांकि कंपिटेटिव एग्जाम में ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं, कभी काल पूछ देता है कि, तो इसको आपको मालूम रहना चाहिए अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ये इसको स्पेशली एक फार्मूला है, उस फार्मूले में ये क्वेश्चंस लगते हैं और आप उस फार्मूले से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले सकते हैं। तो ये फार्मूला कुछ इस तरीके से है, भागु जोग। क्या है? भागु जोग, यानी सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट भाग, सेकंड गुना। क्या करेंगे? गुना, ठीक है, सेकंड गुना करेंगे। थर्ड क्या करेंगे? जोड़, थर्ड नंबर एडिशंस। और फोर्थ नंबर में हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन, यानी घटा देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? भाग, फिर जोड़, गुना, फिर जोड़, फिर घटाना। ये आप फार्मूला लिख सकते हैं जिसका नाम है भागु जोग, ठीक है, भागु जोग। ये फार्मूला, इस फार्मूले से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, करते हैं इसको, क्वेश्चन को सॉल्व, और दिखाते हैं इसको सॉल्व करके। तो सबसे पहले क्या था? भाग करना। तो दो से आप किसमें, फोर में भाग देंगे तो कितना बचेगा आपका? दो दूनी चार, ठीक है, दो दूनी चार। फिर क्या है? प्लस, 11 माइनस 2। फिर क्या था हमारा? मल्टीप्लीकेशन, 12 दूना 24। फिर क्या था हमारा? इस तरीके से आप सिंपलीफिकेशन करते जाएंगे। फिर क्या था? एडिशंस, 24 में 11 आप जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा आपका? कुल हो जाएगा 4 में से 4 1 क्या 5 हो गया, और ये 3 35, और 2 इसमें से घटा दीजिए, तो ये आंसर, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 33। तो ये आपका आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन इसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 2 में 4 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी रहेगा, 2 हो जाएगा, प्लस 8 माइनस में 3, 13 दूना 26, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस 8 माइनस 3। अब क्या करेंगे? एडिशन, 8 6 14, 2 1 3 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 31। इसी तरीके से हर क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको करना कुछ नहीं है। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको मालूम है, ठीक है, ये तो आप कोई भी क्वेश्चंस, इस तरीके का क्वेश्चन निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या, फर्स्ट टर्म में आपको क्या करना है? भाग देना, सेकंड में गुना, थर्ड में जोड़ना है, फिर घटाना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप इजी से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया हो। अगर हमारी वीडियो थोड़ी सी आपको हेल्प करती हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक जरूर करिए, और कमेंट करके बताएं कि कैसी आपको वीडियो लगी। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है, डाउट क्वेश्चंस है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें सेंड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, न्यू वीडियो मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट, नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.